News for India। खगड़िया SP अमितेश कुमार ने मॉनिटरिंग में पुलिस टीम को मिली है बड़ी सफलता। बीते दिनों नगर थाना क्षेत्र से स्वर्ण व्यवसायिक छिनतई की गई थी। सोने के मामले में 10 अपराधी गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि नगर थाना क्षेत्र से बीते माह आभूषण कारोबारी से 15 लाख की सोने की छिनतई के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। SP ने कहा कि इस मामले में राजेश कुमार, उत्तम कुमार, सुधाकर कुमार, नरजय आलम, राहुल पोदार, संजय कुमार, रोहित कुमार उर्फ DJ कुमार, विजय प्रसाद वर्मा, राकेश कुमार उर्फ गुड्डू, मिथुन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने छिनतई की गई सोने में से 51 ग्राम सोना भी बरामद किया है। वहीं एक अपाची बाइक, 12,000 रुपये एवं मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। SP ने कहा कि इस मामले में कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इस अवसर पर सदर SDPO आलोक रंजन, नगर थाना अध्यक्ष एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। 24 घंटे में खगड़िया पुलिस को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। पिछले महीने की 18 तारीख को खगड़िया टाउन अंतर्गत एक सोना के व्यवसायी को दुकान से घर जाते वक्त अपराधियों ने निशाना बना करके उनके पास से 300 ग्राम सोना से बना जेवरात और 60,000 करीब नगद रुपया उनके पास से झपटा मारा था। ये केस एक बहुत बड़ी चुनौती था खगड़िया पुलिस के लिए, क्योंकि शुरू से ही ये केस एक ब्लाइंड केस था जिसके बारे में हमें कोई सूत्र नहीं था। इधर हमारी जांच चल ही रही थी तब तक हमें कुछ सूत्र मिला, कुछ उपलब्धि हुई, जिससे कोई कुछ निशानदेही पे एक व्यक्ति जो घटना का मुख्य सूत्रधार था, जो कि खुद एक स्वर्ण व्यवसायी के परिवार से आता है, उसकी गिरफ्तारी हुई। और उसी के निशानदेही में कुछ ही घंटों के अंदर हमने कई जगहों पे छापामारी की एवं घटना में संलिप्त अपराधकर्मियों को, ऐसे अपराधकर्मी जिन्होंने घटना से में लूटी गए सोने को खरीदा, उसको तोला, बेचा और अन्य सामान जो इस सोने को बेच करके खरीदा गया अपराधियों द्वारा, सबको जब्त किया गया पुलिस द्वारा और करीब 10 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। इसमें बरामद सामान है करीब 81 ग्राम सोना, जो कि प्योर सोना है, मोल्टन गोल्ड जिसे कहते हैं, एक नया अपाची मोटरसाइकिल, 30,000 रुपये के फ़ोन, मोबाइल फ़ोन और 12,000 रुपये नगद, ये सब जब्ती हुई है। एवं 5 अभियुक्त अभी भी इस केस में फरार चल रहे हैं, जिसके लिए पुलिस की दबिश बनी हुई है, जल्दी हम उन्हें को भी गिरफ्तार कर लेंगे। घटना में लूटा गया सामान मुख्यतः 2 जगहों से बरामद हुआ है, एक बेगूसराय अंतर्गत जगह से और एक सहरसा अंतर्गत जगह से। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।